हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद नीतू। और आज हम जा रहे हैं वायनाड। जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। देखो कितना सही बेड है यार, बहुत सही। मतलब ऐसे आए हैं और थोड़ा रेस्ट करेंगे। किसी फ्रेंड के साथ गए हैं। ड्रेस ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। टाइम पे तो ये सब चीजें होती ही नहीं। सुनिए, बहुत सही जगह है। 1700 बस, अब यहाँ से सीधे निकलेंगे। चलते समय यहाँ के ऑनर ने जो है हमें गिफ्ट दिया, और गिफ्ट में यहाँ की चाय पत्ती थी। थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। और बहुत अच्छा लगा हमें। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी को छोड़ते हुए हमें बड़ा दुख हो रहा है, बट क्या करें, पार्किंग की भी अच्छी खासी स्पेस है। अब यहाँ से जो है हम निकल लिए हैं बैंगलोर की तरफ, और रास्ते में जो है एक डैम पड़ता है जो इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पर हम जाएंगे और उसके बाद जो है हम बैंगलोर के लिए निकलेंगे। 25 रुपये पर हेड। छोटे बच्चों का भी? हाँ। कितना मिनट लगेगा ऊपर पहुँचने में? 15। डैम जाने के लिए आपको अपनी कार जो है कार पार्किंग में छोड़नी पड़ती है, और उसके बाद जो है आप यहाँ से वैन करते हैं और वैन से आप वहाँ पर ऊपर जाते हैं, और करीबन 15 मिनट तक जो है आपको लगता है रास्ते में टाइम। यहाँ जब ऊपर आते हैं आप तो बहुत सारी एक्टिविटी है करने के लिए, और यहाँ पर जो है बोटिंग वगैरह भी है। और जिस समय हम पहुँचे थे ना उस समय बोटिंग जो है वो क्लोज था, तो हम चाह रहे थे बोटिंग करना, बट हमें टाइम मतलब हमारा टाइम जो है वो सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें बैंगलोर भी जाना था। केवल अगर आपको यहाँ घूमने जाना है तो आप पूरे दिन की जो एक्टिविटी कर सकते हैं, बट क्योंकि हम रास्ते में थे तो हमने सोचा चलो इसको भी जो है वो कवर कर लेते हैं, जो जो चीज़ें हैं छूट गई हैं हमारी हम वो घूम लेते हैं। तो लेकिन अगर आप इंडिविजुअली यहाँ आएंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पूरा दिन के लिए ना काफ़ी सारी एक्टिविटी है। यहाँ पे जिप लाइन है, डैम है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग डैम की तरफ तो नहीं जा पाए। हम लोग जो है आसपास जो एक्टिविटीज़ थी हम लोगों ने वो करी, और उसके बाद जो है फिर हम बैंगलोर के लिए निकले थे। मुझे झूला झूलना जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस वाले झूले में तो मुझे बस ऐसे लग रहा था कि मैं फिर से बचपन में एक बार अपने गाँव में जो है इस तरीके का झूला डाला था, उसमें हम लोग झूले थे, तो सेम वही फीलिंग हमें आ रही थी। मिस्टी ने भी बहुत सारी एक्टिविटी की थी, बुल राइड की थी, यहाँ पे बच्चों के लिए बोट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम लोग कवर कर सकते थे वो हमने कवर की, बट हाँ कह सकती हूँ जगह काफ़ी अच्छी है। यहाँ ये जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के सामने ही जो है ये जिप लाइन है, और ये जिप लाइन भी जो है ना काफ़ी लंबी है, बट हम लोग ऑलरेडी कल जो हमने ज़िपलाइन कर ली थी तो इसकी वजह से दोबारा ज़िपलाइन करने का मन नहीं था, क्योंकि धूप बहुत तगड़ी थी। इस समय ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है वहाँ पर, धूप बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। और इस साइड में जो है ना यहाँ पर सामने जो दिख रहा है ना वहाँ पर डैम है, तो यहाँ पर पूरा ना पैदल चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और हम मैं थोड़ी दूर तक गई भी थी बट वीडियो जो है मैंने नहीं लिया है, बट हाँ वहाँ पर जो है डैम है, जा सकते हैं आप। उसके बाद जब आप नीचे उतर के आते हैं वैन से, तो यहाँ पर बाहर साइड में जो है ना ये थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, ये हॉरर शो और इस टाइप से जो है ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ बच्चों के लिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ पर आ सकते हैं, और बच्चों को तो ना हर एक जगह जो है ना मज़े आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी हैं पूरे दिन के लिए ना आप अच्छे से जो है इन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर गए खाना खाने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनू कितना सस्ता है। मतलब यार यहाँ खाना हर जगह ना बहुत सस्ता ही दिखा मुझे वायनाड में, और ये वाइट हाउस करके एक फैमिली रेस्टोरेंट है वायनाड में ही है, तो खाना काफ़ी सस्ता था यहाँ। मैंने जो है वो डिनर कर लिया, नहीं सॉरी लंच नहीं, हाँ लंच कर लिया, और हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। टाइम हो चुका है 3:51, पहुँचने का टाइम बता रहा है रात के 10 बजे, और उसमें भी अभी हम रास्ते में कहीं जो है चाय के लिए डेफिनेटली रुकने वाले हैं। और खाना अगर पूछा जाए वाइट हाउस का, तो मेन्यू आपने देखा बहुत सस्ता था, और खाने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई, खाने का वीडियो तो मैंने नहीं दिखाया, और पता तो है ही कोई और शूट तो करता नहीं, मैं ही करती हूँ जो करती हूँ, तो मुझे जितना भी समझ में आया उतना मैंने शूट किया। बट खाने का ठीक था, ओके था, बहुत अच्छा भी नहीं है, जैसे रेट थे उसी हिसाब का खाना था वो मैं कह सकती हूँ।
वो जो बॉयल्ड राइस थे अब वो यहाँ के फेमस हैं, बट मुझे वैसे राइस खाने की आदत नहीं है, बट ठीक था, खाना अच्छा था, खा लिया। और थोड़ा हैवी जैसा जो है ना वो फीलिंग नहीं आ रही कि बहुत खा लिया, उस टाइप से नहीं लग रहा है, तो सही है। यहाँ पर रास्ते में हम चाय के लिए रुके, एक कैफ़े था, कैफ़े नेचर्स बॉल करके था, तो वहाँ पे हम लोग चाय के लिए रुके थे। और हम सिंपली सोचा हमने चाय के लिए रुकेंगे, बट वहाँ पर फिर एक अंकल थे जो यहाँ के ओनर हैं, उन्होंने हमें जस्ट सरप्राइज़ दिया, उन्होंने कैरियो की जो है वो स्टार्ट कर दिया, और सडनली वो आके ना हमारे सामने ना सॉन्ग करने लगे, फिर हम लोग को भी जो है एंथ्यू आने लगा, मज़े आने लगे, और सब लोगों ने ना जो बहुत ही इन्जॉय किया। हम लोग सोच रहे थे हमें यहाँ पर आते से पौना घंटा लगेगा, बट 2 से 3 घंटे हम लोग को यहाँ पर लग गए थे। बहुत ही गंदा गाती हूँ मैं, बहुत ही अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बट बस मज़े मज़े के लिए हम सब लोगों ने गाने गाए, बहुत एंजॉय किया। So we are running a restaurant. It is a eco-friendly restaurant. So my farm was Prakriti farm. So my son, he came and started Nature's Ball. So we got a concept of blending the nature with this thing. So our main ambition is to teach the younger generation what are all the plants, what are all the things, what are all the animals, domestic animals and all. We have sufficient domestic animals here, and I got almost all types of fruits. Okay. So we got all rare fruits, whatever the kids come and stay here. They got a stay also, they can come and enjoy here. So we got 2 dormitories, they can stay here and have campfiring, music system and everything. So the whole day they can enjoy it, yes. So I welcome everybody to come and have a nice day, pleasant day, as our madam has enjoyed so far this. Okay, I welcome everybody. It's in Google and Facebook also. Okay. Cafe Nature's Park, you can search it. We started very early, so we stopped it for some time and restarted just 5 months back. Okay, restart. आई होप आज का वीडियो आप सब लोगों ने इन्जॉय किया होगा। ये जो व्लॉग है ना ये 3 पार्ट्स में आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसकी वजह से मैं 3 पार्ट्स में डाला है। तीनों के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, और जितनी भी जगह मैं गई हूँ उन सबके भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। और मैं काफ़ी जगह जो है वो जाती रहती हूँ, तो ऐसे और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आते रहेंगे, इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सेव गर्ल, रिस्पेक्ट वुमन, इसी थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, लव यू।